हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इंट पर। तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप देख सकते हो कौन कौन सी अपडेट है। बीएड छात्रों पर अपडेट है, यूपी टेट नोटिफिकेशन पर अपडेट है, टीजीटी परीक्षा रद्द करने पर अपडेट है, या यूपी ट्रिपल एससी पेट एडमिट कार्ड पर भी अपडेट है। तो हम लोग देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जल्दी से आप जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर एक अपडेट जो है सबसे पहले मिल सके। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं, देर बिल्कुल नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चेक्सू जो है वो यूपी टेट की जो है स्टडी गाइड लेकर आई है, जिसमें आपको दो साल पेपर 2018 और 2020 के मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको 3000 प्लस जो है अध्यायवार जो है आपको प्रश्न भी इसमें मिल जाते हैं देखने को। साथ ही अगर हम आपको बताएं तो पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है कि किस सिलेबस से कितने नंबर जो है आ रहे हैं। आप नीचे देख पा रहे हो किस टॉपिक से कितने नंबर आ रहे हैं, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। ये बुक जो है आपको मार्केट में किसी भी दुकान से, नीचे लिंक दिए आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया, आप नंबर पर कॉल कर भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को दिया गया है। और साथ ही में अगर हम इसमें बात करें तो एक्सप्लेनेशन भी इस बुक की बहुत ही अच्छे से दी गई है। साथ ही में अगर हम आपको बताएं तो इसके स्क्रीन पर जो है आपको ये बुक दिख रही है, इस बुक को भी अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती है, तो इन बुक को भी आप खरीद सकते हो। लिंक दिया है नीचे और नंबर दिया है नीचे, कॉन्टेक्ट करके जरूर ऑर्डर करें। चले गए, तो सबसे पहले जो अपडेट है वो बीएड छात्रों को लेकर के, जैसा कि कल भी हमने मॉर्निंग अपडेट में बताया था कि जो आपका रज्जू भैया जो विश्वविद्यालय है वहां पर जो बीएड के छात्र हैं वो हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो आंतरिक मूल्यांकन है उनको खत्म किया जा रहा है और उनको कम से कम अंक दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में छात्रों ने हंगामा किया, अपने हक के लिए उन बच्चों ने हंगामा किया। लेकिन अब क्या हुआ कि उन बच्चों पर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोतवाली स्थित प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में हंगामा करने वाले छात्रों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शनिवार को उनके खिलाफ महामारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया, इसमें 70 अज्ञात छात्रों को आरोपी बनाया गया है। राज्य विश्वविद्यालय में एक दिन पहले बीएड के छात्रों ने हंगामा किया था। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय की तरफ से मूल्यांकन में संशोधन के कारण उनका परिणाम प्रभावित होगा, इसी बात को लेकर छात्र विरोध जता रहे थे और इसी दौरान कुछ आक्रोशित छात्रों ने हंगामा किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र प्रसाद ने बताया कि अज्ञात 70 छात्रों पर एएसआई गौरव सिंह की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये छात्रों ने सिर्फ इतना कहा था कि जो आपने इंटरनल मार्क्स खत्म किए हैं या हम लोग को जो आंतरिक मूल्यांकन के तहत जो मार्क्स मिलने चाहिए थे वो मार्क्स हमें उतने नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होगा, इसी को लेकर जो उन लोगों ने कुलपत से बात की और उन लोगों ने हंगामा किया। थोड़ा बहुत जो भी हुआ था उन्होंने अपना आंदोलन किया, लेकिन अब जो है उनके ऊपर केस हो चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अब जो है अपनी बातों को भी नहीं आप उठा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर कि इन्होंने क्या इस पर लगाया एक्ट, महामारी अधिनियम का मुकदमा इस पर दर्ज किया गया है कि आप इतनी महामारी में आप लोग इतना भीड़ क्यों लगाए हो, मतलब जो भी है आप लोग समझ सकते हो, समझदार हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज को लेकर के। अगली न्यूज जो है वो है यूपी ट्रिपल एससी पेट एडमिट कार्ड को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले जो है आपका एग्जाम 20 तारीख को होना था और ये बताया गया था कि 10 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद में फिर जो है एडमिट कार्ड तो नहीं आया, लेकिन एक सूचना जरूर आई कि अब जो आपका एग्जाम है वो 24 तारीख को होगा। ऐसे में बच्चे जो है एडमिट कार्ड का राह देख रहे हैं। लेकिन जो हम लोगों को न्यूज जो मिल रही है, जो हम लोगों को पता लग रही, वो ये पता लग रही कि बच्चे जो है, आप सभी लोगों को पता है, मैंने ये न्यूज दिखाई भी थी पहले भी आपको, कि जो बच्चे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के और एसएससी सीजीएल के जो बच्चे हैं उन लोगों का पेपर एक ही दिन टकरा रहा है। वो लोग यूपी ट्रिपल एससी भी गए थे, वहां पर उन्होंने अपनी बातों को रखा, तो यूपी ट्रिपल एससी के जो चेयरमैन है उन्होंने ये बताया कि ठीक है हम इस पर बात कर रहे हैं, देखते हैं ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। और शायद इसी रीजन है कि अभी तक इन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये न्यूज मैंने ऑलरेडी पहले भी दिखा दी है, अगर आपने नहीं देखी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो वहां पर जो बात निकल कर आई उसमें यही कहा गया है कि एडमिट कार्ड पर काम चल रहा है और साथ ही इस पर भी काम चल रहा है कि दोनों परीक्षा आपस में नटक रहे हैं, क्योंकि सीजीएल भी एक बड़ी परीक्षा होती है और यूपी ट्रिपल एससी पेट भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो ऐसे में जो यहाँ पर बातें चल रही हैं क्या चीजें हैं, तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा है कि बस एडमिट कार्ड की तैयारी चल रही है, 24 तारीख को पेपर को लेकर संशय बना हुआ है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है किसी को, सभी लोग अपनी 24 तारीख की पढ़ाई को लेकर अच्छे से प्रिपरेशन करें, कोई भी इधर उधर की दिमाग नहीं करनी है। एडमिट कार्ड एक से दो दिन में आ जाएगा, जैसा है उन्होंने कहा कि तैयारी चल रही है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ दोनों पेपर एक दिन ना हो इसके लिए भी विचार चल रहा है। अब क्या न्यूज है वो तो आपको चैनल के माध्यम से हम बता ही देंगे। चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग आज की अगली न्यूज की तरफ। यूपी टेट नोटिफिकेशन डेट जो एक बहुत बड़ी जो विषय बन चुकी है, सभी बच्चों के दिमाग में आ रहा है कब आएगा यूपी टेट, क्योंकि
अभी 2 साल होने को हैं और यूपी टेट अभी तक नहीं आया है। वैसे तो एनसीटी ने बताया था कि हर 6 महीने पर यूपी टेट होना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन के लिए प्रस्ताव पीएनपी जारी कर देती है, शासन उस पर मोहर नहीं लगाती है और फिर जो है वो जो है वैसे ही विचाराधीन रह जाती है। अब बात करते हैं यूपी टेट नोटिफिकेशन को पीएनपी ने क्या कहा है। कल कुछ बच्चे पीएनपी गए थे, वहां पर पीएनपी से पूछा गया कि क्या यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि एक दिन अक्टूबर में डेट आई थी कि अक्टूबर में जो है यूपी टेट करवाया जाएगा। लेकिन बच्चों से पीएनपी सचिव ने यही कहा कि हाँ हम लोगों की बात एनआईसी से चल रही है, लेकिन अभी जो है प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है। आपको ये हम बता दें कि जब तक प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा तब तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है। तो जो पीएनपी है उन्होंने बता दिया साफ साफ कि अभी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, एनआईसी से बातें चल रही है कि अक्टूबर के किस दिन करवाया जाए और जिस दिन पेपर रखना है कि उस दिन कोई भी जो है और एग्जाम ना टकराए। कहने का मतलब यह है कि इतनी लंबी लापरवाही चल रही है कि ये लोग वेट कर रहे हैं कि जब कोई पेपर आए तो हम उस पेपर को रख दें ताकि फिर बाद में मिटालना पड़े। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें, मतलब कि जब कोई 2 पेपर टकराता है तो यूपी टेट को ही क्यों हटना पड़ रहा है, कोई और पेपर नहीं हट सकता है, ये सारी चीजें जो है कौन समझाए इन लोगों को। तो कहने का मतलब यह कि ये सिर्फ लापरवाही पीएनपी का कि अगर यूपी टेट हो जाएगा तो हमें नई भर्ती निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यूपी टेट के जस्ट बाद जो लड़के विरोध करना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, इन लोगों को प्रस्ताव भी नहीं भेजे अभी तक, ये बता दिए कि अक्टूबर में पेपर करा लिया जाएगा। किस तरीके से अक्टूबर में पेपर हो जाएगा जब तक अगस्त में फॉर्म नहीं भरा जाएगा, 1 महीना तो फॉर्म भरने में लग जाएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब सेंटर बनेगा और कब पेपर होगा, आप लोग खुद सोच सकते हो। केवल ये लोग केवल दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। टीजीटी परीक्षा रद्द करने पर भी चयन बोर्ड का बयान आया है। कल जो है चयन बोर्ड से बात की गई और वहां पर ये पूछा गया कि टीजीटी परीक्षा क्या रद्द होगी, क्या चीजें हैं। तो चयन बोर्ड ने सीधा सीधा ये बता दिया है कि पेपर रद्द नहीं होगा, क्योंकि पेपर में कोई दिक्कत नहीं थी, 1-2 सेंटर पर कुछ आपत्तिजनक जो चीजें हुई हैं उसको सुधारा जा चुका है, तो पेपर रद्द करने की कोई सवाल ही नहीं उठता है, पेपर बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो चुका है। ये मेरा नहीं है, चयन बोर्ड का जो है बयान है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि चयन बोर्ड ने कह दिया है कि हम कुछ भी रद्द नहीं करेंगे। बाकी अगर बच्चे केस वगैरह करते हैं, जिसकी आज संभावना है कि आज साथ केस हो जाएगा, तो उसके बाद में सुनवाई के बाद ही पता लगेगा कि भर्ती जो है रद्द होगी या भर्ती नहीं रद्द होगी। तो इतने सारे न्यूज थे, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी न्यूज जो है बिल्कुल समझ में आ गई होगी, सब कुछ अच्छी लगी होगी न्यूज। और अगर आपको न्यूज अच्छी लगी है तो जल्दी से जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उन तक भी ये सारी जो है जानकारी उन तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है। तो ठीक है, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग आज जो है जाके एंजॉय करिए, एंटरटेन करिए। और कहने का मतलब है कॉलेज स्कूल तो इतना खुला नहीं है, और पहले जब एक रौनक होती थी ना, जब पहले स्कूल और कॉलेज खुलता था, एक मतलब 15 अगस्त के दिन मॉर्निंग में ही तैयार हो के आज जाना है, आज झंडारोहण होना है, यानी एक बहुत ही। लेकिन कोई बात नहीं, सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और घर पर ही इंजॉय करें सभी लोग। और ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।